हाँ जी साहब किसे जाओगे? इतने भी ले जाओ। गंडा सिंह गंडा सिंह गंडा सिंह। I warmly welcome to all of you with the great Islamic greeting. Assalamu alaikum. मेरा नाम है हुनैन नज़ीम, करता हूँ सबको अपने चैनल पर खुशामदी। टाइम इस वक्त हो रहा है सुबह के 6:15 और यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि मैं इतने जल्दी उठा हूँ। इतनी जल्दी उठने की वजह ये है कि आज मैं जा रहा हूँ एक रोड ट्रिप पर। ज़िंदगी में पहली बार, मैं ट्रिप्स पे तो बहुत गया हूँ लेकिन ज़िंदगी में पहली बार आज मैं एक रोड ट्रिप पे जाऊँगा। तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं सारी रात सो नहीं पाया। अच्छा, सुबह सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा आपको ये सनराइज़ देखने को मिलता है। सेकेंडली, मैं बहुत दिनों से ये चीज़ें मिस कर रहा हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद अर्ली मॉर्निंग जागा हूँ, तो सुबह के जो नज़ारे हैं ना वो कुछ अलग ही हैं। रोड ट्रिप पे जाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, बाइक और कार, व्हाटएवर यू वांट राइड। नंबर 2, योर कैमरा। और नंबर 3, योर फ्रेंड्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकलते हैं राइड पर। तो जी, कहानी में आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट। हमारा बाइक रोड ट्रिप अब कन्वर्ट हो चुका है कार रोड ट्रिप में, क्योंकि ये जो मेरे साथ भाई साहब है ना, इनको गाड़ी में ज्यादा कंफर्ट फील होता है एज कम्पेयर टू बाइक। क्योंकि बाइक पंक्चर हो जाए तो बहुत जलालत होती है। हाँ भाई, क्या कह सकते हैं अब। अभी हमने अपना सेकंड ब्रेक लिया था तो सोचा थोड़ा सा जगह को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। क्या है? मस्जिद है। अभी हम गंडा सिंह बॉर्डर के थोड़ा सा करीब है, अराउंड 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के करीब ही है। यहाँ से करीब है गंडा सिंह बॉर्डर, और देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा पेट्रियोटिज्म जागता है हमारा। तो जी, कहानी में नया ट्विस्ट, और जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, जो जिस कहानी में ट्विस्ट ना हो वो कहानी कहानी नहीं होती। तो अभी हम यहाँ पे बॉर्डर एरिया आए थे और उन्होंने बोला कि भाई वापस चले जाओ,
बॉर्डर तो रास्ता खुला नहीं है, बोल रहे हैं कि अभी कुछ परेड वगैरह हो रही है तो 2 बजे के करीब रास्ता खुलेगा, तो अभी हम सोच रहे हैं कि कसूर सिटी उतनी देर एंजॉय कर लें, एंजॉय करेंगे एक्सप्लोर करेंगे, तो कसूर सिटी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक्सप्लोर भी करेंगे साथ में एंजॉय भी करेंगे। ओके, अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो काफी टाइम है हमारे पास, 2-3 बजे वापस आना है हमें यहाँ पे, तो देखते हैं तब तक क्या करते हैं हम। बाबा लै गिया मुरादा मेरे नाल दिया सारिया, चिश्ती नाल दिया सारिया, बाबा नाल दिया सारिया, चिश्ती नाल दिया सारिया, बाबा नाल दिया सारिया। अभी हम मौजूद हैं बाबा शाह कमल चिश्ती, और यहाँ पे 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। जो एडवेंचर फील किया ना हमने, वो बाइक पे कभी फील नहीं कर सकते थे। और हम एज अ बाइकर जब गाड़ी वालों को जिस तरह से गालियां दे रहे होते हैं ना, आज बाइकर्स हमें उस तरह से गालियां दे रहे थे। ऐसा क्या कहना चाहोगे? फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एकदम बोलती बंद है, डेड एंड था वहां पे हमारे लिए। इधर आना था हमने, और इस होटल की वजह से बहुत सारा जलील हुआ। We'll be right back.
सुबह से ट्रेवल करने के बाद हालत ये हो गई है हमारी। अच्छा क्या कहना चाहेगा? दूसरी बार आए हैं यहाँ पे और वो लोग फिर कह रहे हैं यहाँ से वापस चले जाओ। पहली बार रास्ता नहीं खुला था, दूसरी बार हमारी जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पहली बार जाने के लिए रास्ता नहीं खुला हुआ था और अब की बार हमारी जाने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत रश है। तो ऐसा क्या रिव्यू था यार कसूर के बारे में? मैं तो पहले आ चुका हूँ, तुम पहली दफा आए हो। यार कसूर सिटी का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, रोड बहुत छोटी हैं, गाड़ी में तो बिल्कुल भी ना आए। कोशिश तो बहुत की थी कि हम दोबारा से एंटर हो पाए लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा आवाम आई हुई है और पेट्रियोटिज्म लोगों के अंदर इतना ज्यादा है कि इतनी सारी आवाम आ गई है कि अंदर जाना मुश्किल हो रहा है। अभी 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैवल है यहाँ से भी, लेकिन ट्रैफिक आपके सामने है। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, हार नहीं मानेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ योर डे। See you in the next vlog. Tab tak ke liye, bye bye. See you. Allah Hafiz. तो जी ये हमारा सेकेंड ब्रेक है, इसको हम कहेंगे सुसु ब्रेक। लंबे सफर में राह भी सुसु आ रहा हो ना तो आपको जबरदस्ती आता है।